मुल्क अवाम की मर्जी से चलते हैं, एम्पायर की उंगली से नहीं। शेख रशीद हर सिलेक्टेड हुकूमत का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये सिलेक्टेड की आखिरी बारी है। हुक्मरान अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो घर चले जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी के पीटीआई सरकार पर वार, बोले सब मानते हैं। नवाज शरीफ सियासी इंतकाम के बायस लंदन में हैं। आज हर तरफ से जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं। अवाम की मर्जी से मुल्क चलते हैं, किसी अंपायर की उंगली की मर्जी से। और मुईशत को भी हमें अवाम की मर्जी से चलाना पड़ेगा, और वो हमेशा सिलेक्टेड वजीर रहेगा, नो मैटर व्हाट हिज कारकर्दगी है। मगर मैं उन सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि ये आखिरी बारी है सिलेक्टेड के लिए। ये आखिरी बार है कि ये मुल्क का अवाम किसी न किसी सिलेक्टेड को बर्दाश्त करेंगे। सियासी इंतकाम अरूज पर है, लेकिन हुकूमत का जो नैरेटिव है वो तो पहले दिन से टूटा हुआ था और आप आज कहीं नहीं करा है। कोई पाकिस्तान में मानने को तैयार नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में या लंदन में इसलिए है कि करप्शन की वजह से, वो इसलिए है कि इमरान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से। कोई नहीं मानता कि कोई इस वक्त जेल में है या केसेस बनाए जा रहे हैं इसलिए वो करप्ट है। सब जानते हैं कि वो केसेस इसलिए बन रहे हैं कि सियासी इंतकाम चल रहा है। और मैं जानता हूं कि आज जब हर तरफ से ना सिर्फ आजादी सहाफत पे मगर जमहूरियत पे हमले हो रहे हैं, हर तरफ से हमले हो रहे हैं।